हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर एंड ऑफ द स्नेक। सो स्नेक और डॉक्टर के बिहेवियर के बीच में क्या क्या चीज़ सिमिलर है, क्या क्या चीज़ सेम है, और डू यू थिंक बोथ द डॉक्टर एंड द स्नेक हैड सम कॉमन क्वालिटीज, वाई और वाई नॉट। और क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर और स्नेक के बीच में कुछ कॉमन क्वालिटीज है, उनके गुण कुछ मिलते जुलते हैं, क्यों लगता है ऐसा या फिर क्यों नहीं लगता है ऐसा। सो की पॉइंट्स क्या हम ध्यान में रखेंगे इस आंसर को लिखते हुए। द डॉक्टर टेम्प्टेड टू लुक हिमसेल्फ इन द मिरर। और डॉक्टर क्या कर रहे थे, उनको बहुत इच्छा हुई थी कि चलो मैं खुद को आईने में देखता हूँ, राइट। और दूसरी बात क्या है, द स्नेक एंजॉयड हिज रिफ्लेक्शन द मिरर। सो स्नेक को भी अपनी रिफ्लेक्शन मिरर पे बहुत अच्छी लग रही थी। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, कि हाँ उनके बिहेवियर में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज थे, डॉक्टर और स्नेक के बिहेवियर में कुछ सिमिलैरिटीज थे। जैसे कि वो लोग दोनों ही अपने रिफ्लेक्शन देखा जब उन्होंने मिरर पे, तो वो लोग अट्रैक्ट हो गए थे अपने रिफ्लेक्शन से, और वो लोग देखने लगे थे खुद को बहुत देर तक मिरर पे। और जब डॉक्टर ने यह नोटिस किया कि स्नेक को भी अच्छा लग रहा है अपना रिफ्लेक्शन मिरर पे, तब वो ये सोचे कि शायद वो भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, वो भी खुद की तारीफ कर रहा है, पसंद कर रहा है अपनी ब्यूटी को, और मेरे जैसा कुछ अर्थ शेकिंग डिसीशंस, इंपॉर्टेंट डिसीशंस बना रहा है। और वो डिसीशन शायद ऐसा हो सकता है कि वो मुस्टैच ग्रो करे, क्या वो मूंछ उगाए, या फिर रोज़ शेव करे, या फिर मस्कारा लगाए, या सिंदूर लगाएं अपने मांग पर, या फिर आई शेडो यूज़ करें। सो ये सारे डिसीजंस जो है वो स्नेक ले सकता है, ऐसा डॉक्टर सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। देयर वर सम सिमिलैरिटीज इन द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर एंड द स्नेक। दे बोथ वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। दे स्टेड themselves for longer period of time. So when the doctor noticed the snake enjoying his reflection on the mirror, he thinks that maybe it was too admiring its beauty or was trying to make some earth-shaking decisions just like him. The decisions might be keeping mustache and shaving every day, or applying mascara or vermilion on forehead, or using eyeshadows made by the snake according to the doctor. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.